ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുദേവമേശ്വര ഗുരുദേവ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമ ഓം അഖണ്ഡമണ്ഡലകാരം വ്യക്തം ജേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം ജേനം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമ नमस्कार मित्रों, मैं तारनाथ तांत्रिक स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र के दुनिया में। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं 5 टुकड़ों में जप की जो नियम विधि यानी 28 जो जप के नियम विधि, इसके बारे में एक वीडियो बनाए थे। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा कि जप करना तो हो गया, अब जप की जो समर्पण विधि है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो जप करना तो आपको बिल्कुल आता होगा भी, जो मैंने वीडियो दिया है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मेरे आई बटन में जाके उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दे दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो जप की जो 28 विधि हो जाने के बाद जब हम मंत्र का जाप करेंगे, तो जप समर्पण करने के लिए हमको कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, जैसे सुगंधी कोई द्रव्य, जैसे आतर हो सकते हैं, सेंट हो सकते हैं, आपको जो है मर्जी, आतप के तंदुल या अक्ष यानी आतप का जो चाल होते हैं वो, कुश यानी हाथ में लगाने के लिए जो आप लोग देखे होंगे पूजा के समय ब्राह्मण लोग अपने हाथों में कुश लगाते हैं, कुश की अंगूठी लगाते हैं, वो कुश जरूरत होगी। थोड़ी सी पुष्प और अर्घ के लिए थोड़ी सी जल। अब देखिए मित्रों, मंत्र को तो हम दो तरह के मंत्र जप करते हैं, या ना शक्ति मंत्र या शब मंत्र। तो ये दो तरह के यानी पुरुष या स्त्री दोनों शक्तियों के मंत्र हम जप कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग विधि है। तो इसके लिए एक ही मंत्र के अंदर दोनों देवी या देवताओं की मंत्र को हम कैसे जप समर्पण करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, ये कोई तांत्रिक विधि नहीं है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तांत्रिक विधि नहीं है, ये पूर्ण वैदिक विधि है। आपको इससे पहले कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद मैं तांत्रिक जप समर्पण जो विधि होता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको है थोड़ी सी सुगंध यानी जो आप सुगंध लेना चाहते हैं, थोड़ी सी आतप का चाल या अक्षत, कुश यानी जो हम कहते हैं आपको जो कुश जो हमको स्क्रीन में भी ये दिखा रहा है वैसे कुश का अंगूठी बना के, अगर आप पुरुष देवता की मंत्रों का जाप करें तो दाएं हाथ में लेना है, और अगर आप स्त्री देवताओं की मंत्र जाप कर रहा है तो बाएं हाथ में लेना है। तो हम लोग आप लोगों को शक्ति मंत्रों का बीज दिया है, माँ तारा के बीज मंत्र दिया है, इसीलिए आपको बाएं हाथ से करनी है। तो क्या करना है, तो आप लोग ये सुगंध आतप कुचाल कुश ये सब हाथ में लेके बाएं हाथ में ले लीजिएगा, और बाएं हाथ में लेने के बाद उसे थोड़ी सी पानी दीजिएगा, और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को वैसे जाप करना है। ओम गुज्जाति गुज्ज गोपत्री तम गृहणास्माकृतम जपम सिद्धिर वहर्तु मे देवी तत्प्रसाद सुरेश्वरी। क्या है मंत्र? ओम गुज्जाति गुज्ज गोपत तम गृहणास्माकृतम जपम सिद्धिर्वहूर्त में देवम तत्प्रसाद सुरेश्वरी। इस मंत्र को बोल के आप उसको अर्घ देना है 3 बार। ऐसे अगर आप अर्घ देंगे तो आपके जो मंत्र है उसके समर्पण यानी आपके जो बीज मंत्र है वो समर्पित हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं एक शॉर्ट टाइम में मैं इसको एक बार और भी समझा देता हूँ आपको। बाएं हाथ में थोड़ी सी जल, थोड़ी सी पुष्प, थोड़ी सी अक्षत और थोड़ी सी सुगंधी कोई द्रव्य यानी आतर हो कुछ भी हो बाएं हाथ में लेना है, और आपको मंत्र जपना है। ओम गुज्जाति गुज्ज गोपत्री तम गृहणस्कृतम जपम सिद्धिर्ववृत मृत देवी तत्प्रसाद सुरेश्वरेम। इस मंत्र को जप करते हुए आप उसको अर्घ प्रदान करेंगे आपके जो इष्ट देवी हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आज आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आएगा उसको दबा दीजिए, नहीं तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुँचेगी। तो आज के लिए विदा दीजिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आध्यात्मिक चेतना में विकसित होने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।
जय माता रानी, जय माँ कामाख्या।